ये क्या कर रहे हो? हवा भर रहा हूं यार। ये आदत कब से पड़ गई? आदत नहीं है, मजबूरी है। ओ, तो हम आपकी मजबूरी खत्म कर देते हैं। कैसे? टटड़े, ये देख, इसे इलेक्ट्रिक केटली कहते हैं। अब जब भी तू मुझे अपने हाथों से इसमें से चाय बनाकर पिलाएगा, इसमें से वो मिट्टी के तेल की खुशबू नहीं आएगी। यार एक बात बताओ, तू मेरी जिंदगी में आया कैसे और क्यों आया? प्यार लेने के लिए आए हैं हम, और यूं ही आते रहेंगे। अब तू मुझ पर एक एहसान कर। करना तो पड़ेगा, फरमाइए। आइए आइए। मेरे पिताजी का बनाया हुआ एक मकान खाली पड़ा है, उसे आबाद कर दो। ए जावेद, पर ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? एहसान? मैं तुम्हें जानता हूं जावेद, तुम ऐसे दोस्त हो कि मौका मिलने पर अपनी जान तक दे दो। क्या बात है दोस्त, आज बड़े अच्छे मूड में, कहीं इश्क विश्व नहीं हो गया? आखिर ये इश्क कौन सी बला का नाम है? क्या चीज है ये इश्क है? क्या बताऊं, एक करिश्मा है, एक ख्याल है, आसमान का नीलापन, समुद्र की गहराई और हवा का झोंका। आसमान का नीलापन, समुद्र की गहराई, हवा का झोंका। आई एम गेटिंग कंफ्यूज यार जावेद। ए जावेद, मुझे पता नहीं है कि इश्क में होता क्या है। दो लफ्जों में, हाँ, आदमी अपनी जात भूलकर दूसरों का हो जाता है। आदमी अपनी जात भूलकर दूसरों का हो जाता है? मैं फिर से कंफ्यूज हो रहा हूं यार। छोड़ो यार, टीवी देखते हैं। हाँ। हमेशा की तरह आज भी मैं जावेद साहब की गजल पेश कर रही हूं। अगर वो मुझे सुन रहे हो तो मेरी गुजारिश है कि वो मुझसे मिले, क्योंकि मैं उन्हें जानती तो नहीं, लेकिन उनकी गजलों से ऐसा लगता है कि मैं उन्हें सदियों से जानती हूं। Yeah.
जगह साथ साथ चलते हैं, दिल के आंगन में क्यों नहीं उतरे तितलियां पंछियों के परवाने, आपके लिए लाया हूं, अभी अभी आपकी गजल सुनी, रहा नहीं गया। मेरी आवाज तो बस ठीक है, कमाल तो गजल का है, इस गुलदस्ते के असली हकदार तो जावेद साहब हैं। ये फूल आप उनको पेश करना चाहेंगे? आप उन्हें जानते हैं? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी बिल्कुल, एक गुलदस्ता तो क्या, मैं तो उनके नाम पूरा गुलशन कर दूं। आप मुझ पर एक मेहरबानी कर सकते हैं? मेहरबानी भी कर सकता हूँ, इनायत भी कर सकता हूँ, कुछ और भी कर सकता हूँ, उसका नाम मैं नहीं जानता। आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मिलवा सकता हूँ। सच सच कह रहे हैं आप? ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ। आपका नाम फरिश्ता तो नहीं? मेरा नाम जस है, आपका नाम अर्चना है, पहले दोनों हाथ मिलाते हैं। कैसी हैं आप? मुझे खुद नहीं पता मैं कैसी हूँ, कई बार सोचा, कई बार सपना देखा, सोचकर सपना देखा, सपना देखकर सोचा कि वो शायर अगर मुझे मिल जाए जिनके मैं गीत गाती हूँ, तो मुझे दोनों जहां मिल जाए। पहले इस जहां की बात करते हैं। करते हैं? मैं आपको आपके शायर से मिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जान तो उनकी हो चुकी है, बाकी आप जो कहें। पहले एक कप कॉफी का हो जाए। हो जाए। ओके। चलिए चलिए आइए। इश्क में एक ही परेशानी है यार, आदमी को भी अपनी शक्ल का श्रृंगार करना पड़ता है। ये कपड़े पहन के जाओगे? अर क्यों, क्या कमी है इसमें? अच्छा खासा तो है। कुछ तो कमी है यार। अरे यार मैं पहले ही नर्वस हूं, तू मेरी परेशानी और बढ़ा रहे हो यार। मुझे देखने दो। ये हाँ ये ठीक है। ये लो इसे ट्राई कर लो। ये उतारने पड़ेंगे? इसके ऊपर पहन लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छे खासे थे मियां, ये क्या मुसीबत खड़ी कर। अरे यही पहन लो। वाह वाह शायर साहब, क्या जच रहे हो। अच्छा मगर दाढ़ी तो बना लो यार। जावेद जावेद
क्या बात है, आप मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं और शायद हंसी रोक रही है। क्या मेरे सर पर सिंह उगा है? माफ कीजिएगा। अगर आपके हंसने का प्रोग्राम खत्म हो जाए तो वजह बता दीजिएगा। आपको देखती रहूंगी तो हंसती रहूंगी। चलिए, आपको हमने हंसा तो दिया, बुलाइएगा मत मुझे। ये क्या बात कह दी आपने? मेरी हर बात पर इतना ध्यान मत दीजिएगा। अच्छा खैर, अब तो बता सकती है कि आप हंस क्यों रही थी, आपके हंसने का राज क्या है? मैंने उर्दू शायर के बारे में सोचकर रखा था कि झुककर चलते हुए, हाथ में अपनी शायरी की बयाज लिए, पान खाते हुए, नाक में बोलते हुए अर्ज किया है। तो मुझे देखकर आपको बहुत मायूसी हुई होगी ना? हाँ हुई, फिर हैरानी हुई, खुशी भी हुई। आपकी तस्वीर तो लड़कियां तकिए के नीचे रखकर सोती होंगी। अच्छा, आप जरा मुझे अपनी तारीफ करने का मौका देंगी? जिंदगी पड़ी है, आज मुझे करने दीजिए। ना, जिंदगी बड़ी बेवफा किस्म की चीज है, कब कहां धोखा दे जाए इसका भरोसा नहीं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि जिंदगी आपकी मुट्ठी में है, आपके बस में है। और आज मैं जिंदगी का मतलब बदल दूं और कहूं कि जिंदगी आपकी आंखों में है, आपकी बातों में है, आपकी हंसी में है। लफ्जों के साथ खेलना तो आपका काम है। पहली बार लफ्जों ने साथ दिया है, दिल की बात कह रहा हूं, मान जाइए। आप कहते हैं तो मान लेती हूं। ये कहकर आपने मेरी जिंदगी बदल दी है, मायने बदल दिए हैं। हेलो 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 जी, माफ कीजिए, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, तो अब हम कौन हो गए? जस, इस शहर में तुम्हें चाहने वाला और कौन हो सकता है? सॉरी, एक और भी शामिल हो गई है। क्यों, बहुत चहक रहे हो, क्या बात है मियां? देखा, इश्क तुम्हें हुआ है और चहक हम रहे। अच्छा ये बताओ, कैसे गुजरी भाई? माने ये मानी यानी के चक्कर में मुझे मत डालो यार, ये बताओ तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? अच्छी रही। बस अच्छी रही? और क्या सुनना चाहते हो तुम? सब कुछ। उसने देखा, फिर तुमने देखा, उसने कहा, तुमने सुना, तुमने कहा, उसने सुना, बताओ ना यार। मियां, दुकान में खड़ा हूं, लोग देख रहे मुझे, ये सब बातें यहां नहीं होगी, जब मिलूंगा तब बताऊंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। शुक्रिया जनाब। निकी, निकी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपका मोबाइल ऑफ है? नहीं तो? लग नहीं रहा था। कुछ काम था? नहीं बस सोचा यूं ही हेलो कर लूं। शो सर पर आ गया निकी, और ये शो हर लिहाज से हिट होना जरूरी है। सर अगर हो गया तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें निकी, क्या चाहिए तुम्हें? किसी अच्छी जगह कॉफी पिला दीजिएगा। शैंपेन क्यों नहीं? शैंपेन? सर शैंपेन पी के मैं क्या करूंगी? बहुत खतरनाक सवाल किया है तुमने निकी, पहले हम इंटरवल की बात करते हैं फिर फिल्म की। हाँ। फिलहाल मैं अपने कैबिन में हूँ। शो शैंपेन। माफ कीजिएगा जी।
शायर की किताब ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। उस शायर का नाम क्या है? जावेद। आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो मेरे पसंदीदा शायर हैं। कहो तो मैं आपको उनका एक शेर सुनाऊं। मुझे यहाँ पर किताबें बेचने के लिए नौकर रखा गया है, शेर सुनने के लिए नहीं। वैसे आप ये किताब ढूंढने के लिए कहाँ गई थी? बांद्रा में लोटस, खान में दनाई, फोर्ट में स्टैंड। हाँ, गलत जगह पर जाओगी तो किताब कैसे मिलेगी आपको? बड़ी जुबान का गुमनाम शायर। मैंने आपकी कीमती राय नहीं पूछी। ना शायर गुमनाम है ना उसकी जुबान। आप सिर्फ मुझे उस जगह के बारे में बताइए। अगर ऐसी बात है तो फिर भिंडी बाजार की किसी दुकान पर जाइए या फिर फुटपाथ पर। उस फुटपाथ पर चाय तो मिलेगी ना? ऑफ कोर्स। मेरे हाथों में ना नाच। भाभी भाभी कहाँ हो, किधर हो और क्यों हो? तेरे सारे सवालों का जवाब एक साथ चाहिए कि अलग अलग? कौन सा सवाल और कौन सा जवाब? भाभी आपको क्या हो गया? आपको पता नहीं कभी कभी सवाल खुद एक जवाब होता है। अच्छा तो बता, तेरे सवालों का जवाब क्या है? लेकिन इस शर्त पर कि आज खाना मैं बनाऊंगी। तू किसी से मिलने गई थी या केटरिंग क्लास करने? कुछ भी हो लेकिन खाना मैं बनाऊंगी। मेरे ख्याल से तुझे खाना नहीं बनाना चाहिए। वो शेर सुना है ना, साकी के आते ही कुछ ऐसे होश उड़े कि शराब सीख पर डाली और कबाब शीशे में। कुछ समझी नहीं। मुझे लगता है तुम सब समझ गई हो। तुम्हें आज खाना नहीं बनाना चाहिए। अरे नमक की जगह शक्कर डाल दोगी और कहीं अगर मिर्च तेज हो गई तो भुगतना हम बेचारों को पड़ेगा। अरे भाभी आज हम बहुत अच्छा खाना पकाएंगे। आज हम बहुत अच्छे मूड में हैं। अच्छा कौन है वो? जी अरे भाई वही जिसने तुम्हारे ऐसे होश उड़ाए हैं कि खाना पकाने पर मजबूर कर दिया है। भाभी अरे बता दे बता दे, हम तेरे दोस्त भी हैं यार, काम आएंगे बहुत। What is there in the name? नाम में क्या रखा है? हाँ चलो ये भी ठीक है, लेकिन पकड़ लिया पकड़ लिया। मेरे को बुरी लगती नहीं। क्या कह रहे हो यार? ये आप दोनों औरतें क्या कर रही हैं? इंडिया हार रही है। अरे तो आपका प्रेशर क्यों लो हो रहा है? अरे जब गेम होती है तो आदमी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे सर्द गर्द होता ही रहता है, और ऊपर से आप दोनों चिल्ला रही हैं, मैं कारण जान सकता हूँ? आपकी लाडली बहन आपके लिए खाना पकाने जा रही है। मेरी लाडली बहन मेरे लिए खाना पकाएगी? ये एक्सपेरिमेंट मुझ पे क्यों होता है? पिछले साल इसकी मेहरबानी मुझ पर 3 दिन रही थी। डॉक्टर और टॉयलेट का रास्ता इतना कम हो गया था कि मैं अपने आप से पूछता था कि मैं कहाँ हूँ। आप यहाँ हैं। आप बहुत बुरे हैं और आपको सजा मिलेगी और मैं खाना बनाऊंगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तो शक्ल तो बावर्ची जैसी लगती है। या भाभी। जावेद। हाँ खोल। आ रहा आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मामूली सी चोट लगी है। चल डॉक्टर के पास चल। खामा खा बात का बतंगड़ बना रहे, चला बार बार। चल चल कुछ नहीं हो, बोल रहा ऐसे लग गया। क्या हुआ बोल? अरे हाँ तेरे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी मतलब घर से होनी चाहिए। अब अगर खत आया क्या? नहीं यार मैं तेरे किताब की बात कर रहा हूँ। किताब? मेरे एक पहचान के हैं, वो शायरों की किताब छापते हैं और तेरी किताब छापना चाहते हैं। कब तक ये सब करता रहेगा तू? अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ। चले चल भाई चल चल। मेरे बारे में कुछ शेर सुनाओ ना। लिखा नहीं है। शायर हो, लिखना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैं दाएं हाथ से लिखता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। ये आ गया तुम्हारा सूप। टेबल पर रखना। तुम्हें सूप कौन खिलाएगा? मैं ले लेता हूँ। तुम्हें सूप मैं खिलाऊंगी।
अर्चना क्या कर रही है? ठीक से सुन तो पीने दो। अच्छा तो तुम मुझे अकेला देखकर फायदा उठा रही हो? उठा रही हूँ, तो क्या कर लोगे बताओ? बताओ। एक मिनट। क्या कर रहे हो जावेद? आई लव यू, आई लव यू जावेद, आई लव यू। ओहो क्या बात है, जनाब ने आज इधर का रुख कर लिया। जब अपने ही बेरुखी अपना लेते हैं तो हम जैसे गरीबों को हाल पूछने आना ही पड़ता है। आप मेरे बारे में फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल। जब से आपको इश्क हुआ है आपने तो हमें भुला ही दिया है। भाई तभी आजकल मौसम कैसा है? आसमान देखकर बताया जा सकता है। अरे आजकल आसमान तो खुद आपकी आंखों में झांकता है। ये कौन झांका? हेलो। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे। कुछ काम करें, मैं फोन रख दूं? नहीं बिल्कुल बेकार हूं। आपके सामने कोई आदमी खड़ा है इसलिए आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे। बजा फरमा रही है। वो शख्स जो हमारे सामने था वो एकदम करीब आ गया है। क्या वो आपको जिस शख्स के बारे में आप बात कर रहे थे ना वो क्या आपके सामने भी कोई आ गया है? मौसम यहाँ भी कुछ बदल गया है। कहते हैं कि अक्सर दोस्त ही दुश्मन होते हैं। हेलो जी। हेलो जी। तो कौन वहाँ बीच में कौन बोल रहा है? हेलो। अरे आपके तरफ से भी कुछ ऐसी आवाज आ रही है। अरे यार कोई प्यार की बात करो यार, ये क्या दोस्ती और दुश्मनी का जिक्र ले बैठे हो? अरे कुछ गर्मा गर्म बात करना, ला मुझे फोन दो। भाभी आपको फोन दूं? अरे तुमसे बोला नहीं जाता तो मैं ही बोल देता हूँ आई लव यू। हाँ ये क्या खाना भूसी हो रही? भैया 5 बजे बैठो। फोन रख दिया। ये क्या हो गया भाभी? क्या भैया वो मैं सब ठीक है ना? Then it's okay. ये इश्क इश्क है। टाइम कहाँ का दिया है? क्या नहीं तो शर्माओ नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं किसी से नहीं कहूंगा और कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। मेट्रो थिएटर 5 बजे। अरे मेरी जान जरा हमसे भी मिलवाओ, आखिर आपके हम भी कुछ लगते हैं, जरा हम भी देखें आपकी पसंद क्या है। जरूर मिलवाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सर एक बहुत बुरी खबर है। अरे निक्की मैं दिल का बहुत कमजोर हूँ, मेरा हार्ट फेल हो सकता है। सर आपका दिल ही नहीं है तो हार्ट फेल कैसे हो सकता है? सच कह रही हो? क्रॉस माय हार्ट। तो ठीक है सुनाओ अपनी बुरी खबर, मैं मुस्कुराता हूँ सुनूंगा। सुनाओ। सब वो जो हमारी मेन मॉडल है ना वो प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा होने वाला है। वो हॉस्पिटल में है इसलिए हमारे शो में हिस्सा नहीं ले सकती। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, उसे प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए था। अरे पहले इतनी आबादी बढ़ रही है, अरे कम से कम प्रेग्नेंट होने से पहले मुझे बताते तो सही। जिसे देखो प्रेग्नेंट होता जा रहा है यार, अब क्या होगा मेरे शो का? ओ माय गॉड। सर मैं भी यही सोच रही हूँ। अरे तुम सोच रही हो, मेरा तो जुलूस निकल जाएगा। अरे क्या होगा मेरा? अरे जाने मन, पहल तुम रहे हो और थक मैं गई हूँ। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैंने मजाक किया था? मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा सच मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं शायर हूँ। आज मैं शायर ना होकर ड्राइवर होता, दूध बेचता, पान बीड़ी सिगरेट की दुकान खोलता तो मेरी प्रॉब्लम नहीं होती। बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, आर्ट कल्चर अदब की, पर उसे हमें रोटी नहीं मिलती। तुमने रोटी नहीं खाई? कह देता तो मैं टिफिन लेकर आ जाती।
अर्चना तुम जाओ यहां से। जाती हूं ना बाबा, पहले तुम मेरे सामने तो बैठो, देखने तो दो। ओफो, इतना गुस्सा, चलो गुस्सा थूक दो, आओ बैठो। अच्छा अब साफ साफ दो लफ्जों में मुझे ये बताओ, ताकि मुझ जैसे अकलमंद लड़की भी समझ जाए कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अगले हफ्ते ईद है और घर भेजने के लिए कुछ नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मुझ पर खर्च मत करो। इट्स ऑल राइट। एनीवे बताओ तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? मैं ही सबसे बड़ा हूं घर में, अब वो रिटायर्ड हो चुके, ईदी भी मुझे ही भेजनी होगी। समझ गई, अब पैसे बता दो। 5, 7, 10 हजार। अरे घबरा कर क्यों बोल रहे हो, एक साथ कहो ना 10 हजार। अब सवाल ये उठता है, ये 10 हजार मैं बताता हूँ, मैं एक्सक्यूज मी प्लीज, आप ही की कमी रह गई। सुनो अब परसों मेरा फैशन शो है और मेरी मेन मॉडल अस्पताल में पड़ी सड़ रही है, अब बताओ मैं क्या करूँ? देखो अगर तुम मेरी मॉडलिंग करो तो मैं 15,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। हाँ अब रिक्वेस्ट करो तो शायद मैं कर भी दूँ। लोगों की मदद करते हुए हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन 15,000 के साथ मुझे डिनर भी खिलाना होगा। क्यों? डिनर भी खिलाऊंगा, प्लीज मेरी मदद करो यार। चाहते कहो तो इस उल्लू पर मेहरबानी कर दे। लेकिन मुझ पर उधार रहा। कर देना मेहरबानी। ओ वाओ। This match is being played between me and Pakistan. Me alone and Pakistan, 12 people, including umpire. Yes, no problems, no problems. I'm the batsman, of course. Ajit, suniye. Bowler has given an in-swing. Batsman tried to sweep it, miss it completely. Idhar aaiye na. Kya hai? Dekhiye to kaun aaya hai. Ye mere baraye naam pati hai. Phere mujhse hue hain, shaadi cricket se. Ye hain Javed saab. जावेद मियां था? आज जावेद साहब। हाउ यू सर? आप क्रिकेट के बारे में क्या जानते? बहुत कुछ जानता हूं जनाब। देखा देखा, इस मुल्क का हर आदमी क्रिकेट का शदाई है और एक आप है जो हमारी दीवानगी से बेजार है। अरे पूछ तो ले, कितना कुछ जानते हैं। हाँ तो जाब साहब फरमाइए ना। क्या अर्ज करूं, क्रिकेट के गेम को देखकर तो ऐसा लगता है कि एक बेचारे गेंद को कूटते पीटते हैं, फिर उसके पीछे मारे मारे फिरते हैं, फिर लाखों करोड़ों लोग अपना काम का छोड़कर इस तमाशे को देखते रहते हैं। देखिए जावेद साहब, अगर आपको मेरी क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है तो चाय में तो दिलचस्पी होगी, क्या ख्याल है? ख्याल तो बुरा नहीं है। हाँ, मैं देखती हूँ। आइए जी, आइए। जावेद साहब बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे इनके बारे में सुना था। मुझसे तो मेरा जिक्र ही बेहतर है जो उनकी महफिल में है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे अर्चना के अलावा और क्या पसंद है आपकी? जी मैं खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ और मैं खाना बहुत अच्छा खाता हूँ। शायरी तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, लेकिन गोश्त बहुत अच्छा पकाता हूँ। आपने राजेंद्र सिंह बेदी का फिक्रा तो सुना होगा, वो कहते थे कि गोश्त में मुसलमानों का खाता हूं। अच्छा जावेद ये बताइए, शादी का क्या सोचा है? घर वालों को बुलाया है बस उनके आते ही, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि अगर रजिस्टर मैरिज करें तो। शादी आप जैसे भी करें इट्स ओके, लेकिन मैं ऐसी शानदार पार्टी दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। भाई बहन किसकी है? तो आप शादी के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर देते? सुना है 1 महीना लग जाता है। हाँ, मन से बात है। लो इसी बात पे मुंह मीठा करो। शुक्रिया भाभी जी, कल मेरी किताब की रस्म इजरा है, आप लोग आकर जरूर मेरा हौसला बढ़ाइएगा। रस्म इजरा? जी। रस्म का इतना मुश्किल नाम बताकर तुमने तो डरा ही दिया, लेकिन हम लोग आएंगे जरूर और पूरी टीम के साथ आएंगे। जरूर आइए।
ये वाली अंगूठी दिखाइए ना। ये मर्दों की अंगूठी अच्छा, है। अच्छा थैंक यू वेरी मच, सच कह रहे हैं आप। कितने की है ये? मेरी तरह मत देखो भाभी, उधर ध्यान दो, पैसे तुमने चुकाने हैं। अर्चना विठल राव पाटकर, जावेद जावेद खान वर्ल्ड अब्दुल करीम सिद्दीकी। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं तो आपको कोई ऐतराज नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। आप ऐसा कीजिए कि यहां साइन कर दीजिए, इस जगह। भाई साहब ये इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, चिपक गए होंगे। लेटर कब तक मिल जाएगी? एक महीना लग जाता है। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक्स। ये यार मेरे ने मार लिया मैदान। मुबारक हो दोनों को और मुझे हमें भी। भाभी। रम है रम अजान जा नशा है कम रिस्की रिस्की रम है रम अजान जा नशा है कम ये कुछ मिला जो हो खुमार तो इश्क कर ले इश्क में नशा है यार 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 ओ गुज़र इसकी रम है गम जाने जा नशा है कम कुछ पिला चाहो उमर इश्क कर ले इश्क में नशा है यार 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 आँखों में गुनगुना कहीं ये रात हो गई है या दिल जला कहीं ये आँखों में गुनगुना कहीं रात हो गई है यार दिल जला कहीं किसी के दर पे सजाए दे किसी को दिल से दुआए दे किसी को अपना खुदा बना न कोई गम ये जिंदगी है यार गम ये कुछ मिला जो हो खुमार इश्क कर ले इश्क में नशा है यार इश्क कर ले इश्क में नशा है यार इश्क कर ले इश्क में नशा है यार इश्क कर ले इश्क में नशा है झूम 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 चांदनी पिए बूंद बूंद घूंट घूंट जिंदगी जिए झूम 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 चांदनी पिए बूंद बूंद घूंट घूंट जिंदगी जिए किसी का हुक्म पे नाम हो
में शाम हो मोहब्बतों का दिया जला ले ढूंढ ले कोई सनम है जिंदगी है यार तुम कुछ पिला जो हो खुमार इश्क कर ले इश्क में नशा है यार 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 रुस्क रुस्क गम हो गम जाने जान नशा है कम जाइए मियाँ हाय आई एम सॉरी लेट हो गया ये कोई तरीका है कब से वेट कर रही हूँ वो क्या है कि जस के साथ खुशी में वक्त का ध्यान ही देखा तो वही रहते यहाँ आने की क्या जरूरत थी कहती हो तो चला जाऊं जाते हो तो जाओ 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 मेरी बला से चला गया तो वापस नहीं आऊंगा ना सही सोच लो अगर मैं चला गया तो जिंदगी भर ढूंढती रह जाओगी जी बिल्कुल नहीं इस गलत फहमी में मत रहिए हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ आइए बेबी लगता है किसी का इंतजार कर रही हो अरे हम आ गए ना वाह प्यार में क्या इकरार था लेकिन अब क्या होगा होना क्या है इंतजार करो अब हमारी तरफ खींची चली आएगी कम ऑन बेबी जावेद, तुम्हें क्या हो गया जावेद? जावेद,
क्या क्या जावेद? नहीं जस, नहीं जस, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। जो अल्लाह मियां को मंजूर था वही हुआ। तू बिल्कुल बेकसूर है भाई, बिल्कुल बेकसूर है। अल्लाह जावेद, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। जावेद, जावेद, हम तुम्हें गम भुलाने के लिए नहीं कहते। अपनों का गम तो जिंदगी भर सहना पड़ता है, लेकिन उस गम को सहने के लिए हौसले की जरूरत पड़ती है, हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तेरे भैया ठीक कह रहे थे, तुझे इस बदनसीब जिंदगी का सामना करना है और फिर तुझ पर उनकी भी तो जिम्मेदारी है। तू समझ रही है ना, उनका दुख भी तो बांटना है। अर्चना, तुझे बहू बनकर साबित करना है और बेटा बनकर जीना है रे। आपने अपना क्या हाल बना रखा है? क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं अपने आप पर? निकी, मैंने जुल्म ही नहीं, जुर्म भी किया है। अपने दोस्त को मार डाला, वो भी वो दोस्त जिसे मैं अपना खुदा मानता था। अच्छा नहीं किया मैंने। गलत कह रहे हैं आप। आपने ना ही कोई जुल्म किया है, ना ही कोई जुर्म किया है। आप तो अपने दोस्त को बचाने जा रहे थे। जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, एक दुर्घटना थी। आप उसके लिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए प्लीज। लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ऐसा मत कहिए सर, मत सताइए अपने आप को। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा हौसला रखिए। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं, न जाने कब कौन सी उम्मीद, कौन सी खुशी आपकी जिंदगी को फिर रोशनियों से भर दे। निकी, मुझे पूरा यकीन है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। क्या करूं मैं भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही तो इम्तिहान की घड़ी है जस, यही तुम्हारी परख है। तुम जावेद के दोस्त थे, जावेद के कर्तव्य तुम्हें निभाने पड़ेंगे। अगर ये नहीं निभाएगा तो और कौन निभाएगा? ये तो इसका फर्ज है, अब इसका धर्म भी बन गया है कि जावेद के घर वालों का ख्याल रखे। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? जस, उस घटना की बात मत करना, थोड़ा वक्त निकल जाने देना। कोई भी बहाना बना लेना, कह देना
जावेद बाहर गए हैं। तो क्या झूठ बोल दूं उनसे? नहीं नहीं, ये तो मैं झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ उनका दिल रखने के लिए कह रही है। देखो कुछ दिन के लिए रुक जाओ, मौका मिलते ही बात कर लेंगे। जस, तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा, आंसू आए तो रोकना होगा, मुस्कुराकर बात करना होगा। ये बहुत ही कठिन समय है। संभल के भाईजान कहीं नजर नहीं आ रहे। आ जाएगा, बड़ा शहर है, देर सवेर हो ही जाती है। हाय अल्लाह, इतना बड़ा स्टेशन है, हम तो खो ही जाएंगे। आपको आते ही खोने की तमन्ना हो गई। पट्टा बांध के रखेंगे आपके गले में। अबू देखिए ना, छेड़ते हैं। ये नहीं छेड़ते, आप छेड़ती हैं। छेड़ती है गले पर ना अबू। अब आप रहने भी दीजिए मास्टरनी जी। भाईजान तो कभी ऐसा नहीं करते, वो जानते हैं कि आज हम आने वाले हैं और शहर में हमारी कोई जान पहचान भी नहीं है। आ जाएगा, कोई काम वाम पड़ गया होगा। चलो चाय पी कराते। शबनम सामान का ख्याल रखना। खुद का तो ख्याल नहीं रख सकते, सामान का क्या ख्याल रखेंगे। नजर नहीं आता? बस कुछ ही दिनों में आके। आप शबनम हैं? हाँ वही शबनम जो सूरज की पहली किरण के साथ गायब हो जाती है। शबनम? हाँ जी, आप अबाजान हैं और आप अख्तर हैं। मैं जस हूँ, जावेद भाई का दोस्त हूँ। जावेद अक्सर आपके बारे में लिखता है। भाईजान क्यों नहीं आए? जी वो पुणे गए हुए हैं और उन्हें किसी काम से देरी हो गई है, और उन्होंने मुझे फोन किया था कि मैं आप लोगों को यहाँ लेने के लिए आ जाऊँ, और ऐसे भी आप लोग मेरे ही घर में ठहरने वाले हैं।
काका हाँ? हम लेके जाएंगे। अच्छा बिटिया। सलाम अब्बू। अरे सलाम। सलाम बेटे। सलाम भाईजान। सलाम भाईजान। सुबह सुबह तो जरा मुस्कुरा दिया कीजिए। क्यों अब्बू? भाई मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं है, और जरा सा मुस्कुरा देने में कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आप जवाब नहीं देंगे? मुस्कुराने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। लो अब्बू, सुना आपने, आज की सुबह का ये पहला कलाम सुनने को मिला है। जय नसीब, आधा बरस करती हूँ। शबो बेटे, सुबह सुबह भाईजान को परेशान मत करो। आप कहते हैं तो नहीं करते, लेकिन परेशान करने का प्रोग्राम हम दोपहर तक मुलतवी कर देते हैं, और अब यहाँ से अपनी तशरीफ ले जाते हैं। उन्हें भी तो चाय देनी है। शबो ने तो इस घर को अपना घर ही समझ लिया है। पराए घर को अपना घर समझना कोई अच्छी बात नहीं है। पराया घर इतना पराया भी नहीं है भाई, जस अपना ही है, जावेद का दोस्त है। जाग रहे हैं या सो रहे हैं? सच पूछो तो मैं खुद नहीं जानता। आप? क्या मेरे अलावा कोई और नजर आ रहा है आपको इस कमरे में? नहीं, मेरा मतलब है कि आपको चल आई। अब की बार माफ कर दीजिए, फिर नहीं लाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। हाँ हाँ, हम जानते हैं आपके मतलब में कोई मतलब नहीं होता। मैं समझ गया हूँ कि मेरे मतलब में कोई मतलब नहीं होता। अक्सर मेरी बातों में कोई मतलब ही नहीं होता है। इस बात पे आप इतना खुश हो रहे हैं? शक्कर एक चम्मच डाली हो, अगर ज्यादा लेते हैं तो ले लीजिएगा, वैसे एक चम्मच काफी होती है। अच्छा हम चलते हैं। रुकिए, सवेरे आप गा रही थी। क्यों, आपके यहाँ गाना मना है क्या? जी नहीं, पहले कभी इस घर में इतनी मीठी आवाज सुनाई नहीं थी। हम जानते हैं कि हम अच्छा गाते हैं, तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। जावेद साहब मुंबई शहर में ही रहते हैं ना? हाँ, आपके उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई? मियां, अजीब शहर है, पड़ोसी से मिले बरसों हो जाते हैं। हाँ, किसी पर्चे में एक बार उनकी गजल पढ़ी थी। अब आप आ गए हैं तो उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। हमारे गांव का नाम रोशन करने वाले जावेद भाई ही तो हैं। समझ में नहीं आता, पता नहीं कहां गए होंगे, स्टेशन पर लेने भी नहीं आए, अपने किसी दोस्त जस को भेज दिया था। हम लोग अभी उन्हीं के यहाँ टिके हुए हैं। कहीं काम से गए होंगे? इतना क्या जरूरी काम निकल आया? घर वाले परदेश आए हों और वो काम पे निकल जाएं? ये शहर है मियां, ना को चने चबवा देता है, आदमी फिर भी अजनबी बन के रह जाता है। खुद से मुलाकात के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन भाईजान ऐसे नहीं है अनवर। अच्छा, हर चीज का एहसास है उन्हें। ओ, शायर जो ठहरे? पता नहीं अनवर, दिल धुआं हो रहा है, अजीब ख्याल आते हैं, नींद भी ठीक से नहीं आती, बेचैनी सी रहती है। अख्तर, मौला जो है सब ठीक कर देगा। हेलो, हम शबनम बोल रहे हैं। हाँ शबनम, हमने आपके यहाँ चोरी की है। चोरी?
हाँ, आप जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर होगी। अरे चोरी क्या की वो तो बताओ, सजा उस हिसाब से होगी। हमने हमने आपकी डायरी खोली। इतना बड़ा जुर्म? हमने आपका नंबर मालूम किया है, अब बताइए क्या सजा देंगे? फांसी की सजा चलेगी आपको? फांसी चलेगी, लेकिन मरने से पहले हमारी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। अच्छा बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताइए। हमने समुद्र नहीं देखा, हमें समुद्र दिखा दीजिए। तथास्तु। माने? माने समुद्र। कहाँ खोए हुए आप? हाँ कहीं नहीं। जी नहीं, अब तो मेरे पास है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। तुम ठीक कर रही हो शबनम, मैं एक बहुत बड़ी गहरी उलझन में फंसा हूँ। ऐसी कैसी उलझन, हमें बताइए, हम सॉल्व कर देंगे। दरअसल उलझन मेरे करीबी दोस्त की है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ऐसा क्या हुआ? मन ही मन मेरा एक दोस्त एक लड़की से इश्क कर बैठा, वो लड़की भी उसे चाहने लगी, लेकिन वो लड़की ये नहीं जानती थी कि उसी के हाथों उसके भाई का खून हो चुका है। दरअसल मेरा दोस्त और लड़की का भाई जिगरी दोस्त थे, लेकिन एक हादसे में मेरा दोस्त अपने दोस्त की जान बचाने गया और वो उसी की मौत का कारण बन गया। बहुत ही बुरे हादसे के शिकार हुए हैं आपके दोस्त। मेरी नजर में उन्हें अपने आप को गुनेगार नहीं समझना चाहिए। मुश्किल में तुझे याद मेरा नाम आएगा, जा ले जा मेरा दिल ये तेरे काम आएगा। मुश्किल में तुझे याद मेरा नाम आएगा, जा ले जा मेरा दिल ये तेरे काम आएगा। शोभी का सादगी ने बड़ा काम किया था, पर तेरी निगाहों में भी जादू का असर था, जितना उधर था प्यार उतना ही इधर था। सोचा न था ये राह में मुकाम आएगा। जा ले जा मेरा दिल ये तेरे काम आएगा। Thank you.
कभी इस कदर उल्फत नहीं की थी, अब तक तो कभी दिल ने बगावत नहीं की थी। ये इल्म न था, ये इल्म न था प्यार का पैगाम आएगा। जा ले जा मेरा दिल ये तेरे काम आएगा। मुश्किल में तुझे याद मेरा नाम आएगा। जा ले जा मेरा दिल ये तेरे काम आएगा। कीमत ही नहीं इसकी ये बेदाम आएगा। जा ले जा मेरा दिल ये तेरे काम आएगा, तेरे काम आएगा, तेरे काम आएगा, तेरे काम आएगा, तेरे काम आएगा। छोड़कर क्यों चले आए? अब्बू अब जरा बताएंगे ये क्या हो रहा है? किसके बारे में बात कर रहे हो? अब्बू जान आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, और आप ये भी जानते हैं कि मैं क्यों बेचैन हूं, क्यों परेशान हूं। तुम्हारी कुछ आदत भी है कि खुद परेशानी और बेचैनी मोल लेते हो। अरे मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तुम्हारी उम्र के लड़के तो 10 बहाने ढूंढते हैं हंसने के, दिल बहलाने के। अब्बू आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं हूं। फिर आप ही बताइए, एक वजह बताइए इस नामुराद बेमानी और वाहियात जिंदगी में कोई क्यों मुस्कुराए? एक वजह बताइए आप।
पागल हो जाओगे अपनी इस बेचैनी और नफरत की वजह से अख्तर। मुझे इस लुजलुजे ढीले ढाले हर वक्त मुस्कुराने की जिंदगी से अपनी नफरत प्यारी है अबू। अच्छा अब यह भी बता दो कि कौन सा गम तुम्हें खाया जा रहा है। अबू मुझे शबनम का जस से मिलना पसंद नहीं। अच्छा भाई मैं शबनम और जस दोनों को समझा दूंगा। और मुझे इस तरह उसके मकान में रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं। जावेद को आ जाने दो, घर भी छोड़ देंगे। यही तो मैं कहता हूं। कहां है हमारे भाईजान? अबू हमारे भाईजान ऐसे नहीं है कि शहर के एक रेलवे स्टेशन पर हमें बेसहारा छोड़ दें, किसी दूसरे शख्स के रहमो करम पर छोड़कर खुद लापता हो जाएं, हम सबसे नाता तोड़कर कहीं और चले जाएं, गायब हो जाएं। अबू कहां है हमारे भाईजान? कहां है हमारे भाईजान? सब्र करो बेटे, सब्र करो, हिम्मत ना हारो, यूं परेशान मत हो। अबू कहां है हमारे भाई? दिल छोटा नहीं करते, हिम्मत रखो, अल्लाह देख रहा है, सब ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं होते बच्चे, परेशान नहीं होते। शबनम आइए आइए, हमें एक असिस्टेंट की जरूरत थी। ये दो प्याज काट दीजिए। अरे लेकिन काका किधर है? वो कहीं बाहर गए हुए। अरे शबनम एक मेहमान आए हैं, चार कप चाय बना दो प्लीज। इनाम क्या मिलेगा? बोलो बोलो। ₹5। छह? ₹5 में तो हम सिर्फ पानी पिलाते हैं। अच्छा बाबा 10। लेकिन ये कपड़े जरा ढंग के पहनो, पूरी बावरचन लग रही हो। कपड़े बदलने के लिए 10 और। बहुत लालची हो गई है तुम्हें। कर्ज भी तो आपको देती हूँ। ठीक है ये लो ₹20। और देखो खाने में बिस्किट मिठाई वगैरह हो। उसके ₹10 और। मार खाएगी अब तू? तू जाइए, नहीं लाती। अच्छा बाबा 10 उधार, बेकार आदमी को परेशान नहीं करते ज्यादा। ठीक है। अबू चाय लाने के लिए ₹10 उधार और ₹20 नगद की रिश्वत लिया शबों ने। शबनम को बिगाड़ने में जावेद के बाद अख्तर मियां आप ही का नंबर आता है। आपकी भी तो लाडली है, हाथी सिर्फ चींटी से डरता है। शबनम घर में सबसे छोटी है इसलिए हम सबकी जान उसमें अटकी हुई है। अख्तर मियां कहीं आप कोई तोता मैना की कहानी तो नहीं सुना रहे? अरे परी है परी हमारी शबनम। लीजिए परी का नाम लिया नहीं कि परी हाजिर हो गई। शुक्रिया। शब्बो आप अनवर हैं, हमारे दोस्त हैं। आदाब। कहाँ जा रही हो? हमारे पास बैठो। क्या बात है शब्बो, आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। अबू हमें कहीं छुपा लीजिए, भाईजान बहुत तंग करते हैं। आप अब बड़े हो गए हैं, कहाँ छुपाएं आपको? अच्छा तो फिर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कबूतर बनकर खतरा नहीं टलता। आप खतरे के साथ गुफ्तगू कीजिए, हम भाग चलते हैं। हम शबनम बोल रहे हैं, हमें जस से बात करनी है। हेलो शबनम। हम अकेले हैं घर में। अकेले? क्यों अब्बू और भाईजान कहाँ गए? सब बाहर गए हुए हैं। बाहर कहाँ? बताकर नहीं गए। अच्छा हम अकेले बोर हो रहे हैं। आप बोर हो रही हैं? आइए ना, हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी आंखों में अपनी परछाई देखना चाहते हैं। मैं बेहोश हो जाऊंगा जी, मर जाऊंगा।
पागल हो जाऊंगा। हाँ, इससे पहले आप हमारे पास जरूर आ जाइएगा। मैं अभी सर के बल आ रहा हूँ। हाँ, अब सर के बल आएंगे तो नहीं पहुँच पाएंगे। आप कार से ही आइए, हम इंतजार कर रहे हैं। हम अभी आते हैं। अच्छा ठीक है, है? अब अरे मांगा है? आप नहीं जान सकते? तुम्हारा चेहरा कोरा कागज है। ओह, कहिए, आपको पढ़ना ही नहीं आता? चलो मान लिया, अब बोल भी दो। थोड़ी सी खुशी मांगी है। मतलब? आपका साथ। लेकिन भाईजान के आने तक हमें इंतजार करना होगा। चलिए, वरना देर हो जाएगी। ओफो, चलिए ना, कहाँ रह गए थे आप? सुनिए हजरत, आपसे कह रहा हूं, हम लोग आपके एहसान मंद हैं। आपके यहां रोटी तोड़ी है हमने, अनाज खाया है, ना शुक्र नहीं है हम, लेकिन हम लोग शरीफ हैं। हमारी तहजीब हमें इजाजत नहीं देती कि हमारी बहू बेटी बहन सरेआम किसी गैर के साथ जाएं और आवारा घूमें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आइंदा आप इस बात का ख्याल रखें। मेरे भाईजान का ख्याल करते हुए मैं चुप हूं, आप समझ गए होंगे। मैं समझ गया हूं, लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। जितना आप शबनम के बारे में सोचते हैं, ख्याल करते हैं, उससे कई ज्यादा मैं शबनम के बारे में सोचता और ख्याल करता हूं। इसकी इजाजत किसने दी आपको? आप वापस से बाहर हो रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है कि आप शबनम के बारे में सोचें और उसका ख्याल रखें। अख्तर बेटे, सोच समझ कर बात करो। सुनिए अख्तर साहब, अभी अभी आपने भाईजान का जिक्र किया, वो मेरे दोस्त हैं, भाइयों से बढ़कर हैं, और इस बात का गर्व है मुझे। अब सुन रहे हैं आप, ये जनाब सारी हदें पार करते जा रहे हैं। मैं अपने आप को रोके हुए हूं। इससे पहले कि मैं अपनी सारी हदें पार करूं, आप शबनम को रोके और इन हजरत को समझाइए, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। कहाँ है भाईजान? अक्तर भाईजान हमें बहुत परेशान करते हैं। अक्तर भाई, कहाँ हैं आप? लो, आप यहाँ चिपके बैठे हैं और हमने सारा घर छान मारा। मुझसे क्या काम आन पड़ा? चलो लाइए, अपना हाथ बढ़ाइए। ये क्या है? अरे ये राखी है, आप तो ऐसे घबरा गए जैसे कोई सांप ने आपको काट लिया हो। मुझे क्यों पहना रही हो? ओफो, आज राखी का त्योहार है
और हर बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है। चलिए हाथ आगे कीजिए। शबनम, ये सब तुम कहां किधर से कराती हो? ये सब कुछ कहां जाती हो, किनसे मिलती हो? तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये रस्म हमारी नहीं है, ये रस्म हमारे तौर तरीकों, हमारे रहन सहन में शामिल नहीं है। मेरी समझ में नहीं आती। क्या बात है विक्टर? क्यों चिल्ला रहे हो? किस बात पे चिल्ला रहे हो? देखिए ना भाई जान, शबनम कहीं से राखी उठा लाई है और मुझे बांध रही है। इसे समझाइए कि ये रस्म हमारी नहीं है। पहले तो ये अख्तर, तुम इसे डांटा मत करो। तुम जानते हो इस नन्ही सी गुड़िया में मेरी जान अटकी हुई है। और रही बात राखी की, अगर ये किसी और धर्म के रस्म को अदा कर रही है जो कि भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, तो उसमें हर्जी क्या है? हाँ, आपने सर पर चढ़ा रखा है। जी हाँ, हमने इसे सर पे चढ़ा रखा है, हमने दिल में बिठा रखा है, हमने आंखों में छुपा रखा है ना गुड़िया? इन्हें मारिए भाईजान, हमें हमेशा रुलाते हैं। हम इसे बहुत मारेंगे, मगर पहले तुम हमें राखी बांधो। जी भाईजान, इसे रुलाने का तुम 100 रुपया जुर्माना भरो। चलो, बड़ा अच्छा इंसाफ है आपका। चित भी सुगल की और पट भी इसकी। ले, ये हमेशा कड़वा बोलते हो। नीचे मुंह मीठा कीजिए। भाईजान, आप जल्दी आ जाइए मेरी खातिर। जल्दी आ जाइए भाईजान, जल्दी आ जाइए। अर्चना, आपसे एक बात करनी है। पता नहीं आपसे कह पाऊंगा या नहीं। क्या बात है जस? मुझे लगता है कि आजकल मेरे पास में कुछ भी नहीं, सारे अधिकार मुझसे छीन लिए गए हैं, यहां तक कि मेरी जिंदगी के फैसले भी कोई और कर रहा है। घबराओ मत जस, तुम कह सकते हो। मुझे विश्वास है कि तुम कोई बुरी बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जानती हूं, तुम पे विश्वास करती हूं। मैं उससे प्यार करने लगा हूं। और वो? वो भी मुझसे प्यार करने लगी है। क्या करूं, प्यार छुपा भी तो नहीं सकता। लाख चाह की राज बना रहे, लेकिन उसकी एक नजर सब कुछ बता देती है। और मेरे चेहरे का रंग बदल जाता है। आप क्या सोच रही? अर्चना, मेरी एक और जान है। जी, क्या कहा आपने? वो नहीं जो तुम सोच रही हो, मैं शबनम की बात कर रहा हूं। हमारे घर में वो सबसे छोटी है, लाडली है, बहुत नासुक है। अब्बा और मुन्ना दोनों ने चावर है उस पर। आगे बढ़िए। मैं उसकी शादी की सोच रहा था। इसमें सोचने की क्या बात है, कर दीजिए ना उसकी शादी। आखिर कोई अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए जो उसे अपना समझे, उसे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। समझ में नहीं आ रहा, जैसे हमारा जस। तो फिर जैसे क्यों नहीं? क्या बात कर रही हो? ठीक कह रही हूँ। ये मुमकिन हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। Oh,
ठीक कहते हो, बहुत सारी बातें बहुत पहले ही तय हो चुकी है। तुम अगर ये शादी शबनम से करते हो तो जावेद का एक अरमान पूरा हो जाएगा। क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ, वो तुम्हें बहुत चाहते थे जस, और शबनम उनकी जान थी। एक दिन कहने लगे कि शबनम के लिए जस जैसा कोई लड़का होता। मैंने कहा तो जस ही क्यों नहीं, तो वो ये सपना भी देखने लगे। ओह, आपने तो मेरे दिल से बोझ ही उतार दिया। मैं तो अपने आप को गुनहगार समझने लगा था। शादी करके तुम उनके घर वालों की एक जिम्मेदारी बांटोगे। लेकिन क्या शबनम के घर वाले मान जाएंगे? मैं हर हाल में उनका यह सपना पूरा करूंगी। जावेद अक्सर आपके बारे में बातें करते रहते हैं। इस काबिल तो नहीं, लेकिन जावेद पर मुझे बहुत नाज है। बहुत नाजुक सा दिल रखता है। मैं उनकी गजलें टीवी पर गाती हूँ। माशाल्लाह, कभी हमें भी सुना दें एक आध चीज। बाप होने के नाते जावेद की गजल की पूरी दाद तो नहीं दे सकते, पर आपके मुंह से सुनेंगे तो अरमान पूरा हो जाएगा। हर वक्त घर के बारे में ही बातें करते थे। आप मुन्ना है ना? इस दुनिया में एक भाईजान ही है जो मुझे मुन्ना कहकर पुकारते हैं। कहते हैं सारा गांव आपसे डरता है। और मैं उनसे डरता हूं। उनके सामने जबान तो क्या, आंख मिलाकर भी बात नहीं कर सकता। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। कह नहीं सकती, एक चाह पूरी हुई है। इतनी ढेर सारी बातें सुनी है मैंने आप लोगों के बारे में कि लगता है मैं आपको जानती हूं, हमेशा से जानती हूं, अपना मानती हूं। शब्बू कहाँ है? हाजिर है शब्बू। फरमाइए। हमने आपको कहीं देखा है? कहाँ देखा है आपने हमें? आप अर्चना दीदी है ना? हाँ, मैं आपकी अर्चना दीदी हूँ। और आप हमारी, आपने फिक्र पूरा नहीं किया। हम आपके हैं कौन? जरा देखूं तो आपको। आओ बैठो हमारे पास। आप जावेद की जान है ना? अरे भाई, तो वो शायर है चुम्बक जैसी नाचीज को आसमान पे तो ले जाते हैं, फिर पल भर में चिट्टियां पकड़ के जमीन पे ले आते हैं। इन शायरों का क्या भरोसा, एक पल यहाँ तो एक पल जाने कहाँ खो जाते हैं। अब देखिए ना अर्चना दीदी, आप ही इंसाफ करें, हमें आए हुए कितने दिन हो गए, और एक वो है जो हमें छोड़ के जाने कहाँ चले गए। अर्चना, अर्चना, अबू, नींद नहीं आ रही। बेटे, बात दरअसल तुम्हारी बेचैनी से शुरू हुई थी, जो अब मेरी परेशानी बन गई है। अबू, मेरा मतलब आपको परेशान करने का नहीं था। मेरे बच्चे, तुम मेरी औलाद हो और मुझे बेहद अजीज हो। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे इतनी नेक औलादें मिली हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं। बस बेटे, ये सितारों की गर्दिश है ना, कभी नहीं रुकती।
ये खामोशी है ना, कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह देती है। ये हवा जब जिस्म को छूकर चलती है तो कुदरत के कई राज बेपर्दा कर देती है। आपको भी शक हो रहा है भाईजान क्यों नहीं आ रहे, कोई पैगाम भी नहीं? हाँ बेटे, मैं सोच रहा हूं कि मेरे दिल में एक सन्नाटा सा क्यों छा गया है, छाती में धुआं भर गया है, आंखों में धुंध सी छा गई है। मौला मुझे और क्या दिखाना चाहता है, और इस दुनिया में क्या बचा है जो मुझे देखना बाकी है? 10 दिन हो गए, जावेद का कुछ पता नहीं, कहां गया है, कब लौटेगा, फोन भी नहीं किया उसने। बेटे तुम पता क्यों नहीं करते? जी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को क्या समझाऊं और आपको क्या बताऊं। बेटी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, सच क्या है बता दो। क्या कोई हादसा हुआ है, वाकया हुआ है जिसका वास्ता हमसे है? हम मरे जा रहे हैं बेटी। नहीं बता पाऊंगी अंकल, नहीं बोल पाऊंगी। एक हादसा होता तो बता देती, या तो जिंदगी ही बदल गई है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उजड़ गई है जिंदगी। बेटी तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, ना कहकर भी बहुत कुछ बता देती हैं। देखो हम पर रहम करो, हम परदेसी हैं, फकीर होकर आए हैं इस बदबख्त शहर में। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, भीख मांगता हूं। ऐसा मत कहिए अंकल, आप बड़े पूजनीय हैं। ना तो मुझसे बताए बनेगी और ना ही आपसे सुनते बनेगी। पहला सच तो ये है कि मैं आपके जावेद के साथ शादी करने वाली थी। इतना प्यारा शख्स, बेगर्ज आदमी, अच्छा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था और न देखूंगी। हम बहुत खुश थे और हमारी इस खुशी में आप लोग भी शामिल थे। आप, मुन्ना, शब्बू, रोज जिक्र होता था आप लोगों का, हम आपको फरिश्ता मानते थे। या अल्लाह रहम कर मुझ नाचीज पर। और इस दास्तान में एक और शख्स था जो हमारी जिंदगी का शहजादा था, जिसके बगैर ये कहानी पूरी नहीं होती। वो दोनों दोस्त थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जस जावेद को ऐसा देखता था जैसे जमीन पर कोई खुदा हो। बस और मैं क्या बोलूं, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। बेटी मैं अंगारों पर लौट रहा हूं, मेरे सीने में आग दहक रही है, और पहलियां मत बुझाओ। हम लोग कोर्ट जाकर शादी की अर्जी दे आए थे और हमें शादी के लिए 1 महीने की मोहलत मिली थी। उस रात हम जस जावेद और मैं बहुत खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और सुबह होने से पहले कुछ गुंडों ने जावेद पर हमला कर दिया। फिर जस देख रहे थे, उनके दोस्त को एक गुंडा पकड़कर गला दबा रहा था। उससे पहले कि वो लोहे की सलाखें ले उस पर टूट पड़े, वो गुंडा हट चुका था और बंदे ने अपने खुदा के पेट पर ऐसा वार किया कि जावेद वही ढेर हो गए, उनका पेट फट गया। जस ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर जावेद
खुदा तो ना थे, इंसान थे। इस तरह से हमारी बस ही बसाई दुनिया उजड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे भाईजान को मारा है, हम की जान ली है तुम्हें। मैं तुम्हें जिंदा जमीन में काट दूंगा, मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दूंगा मैं तुझे। मार दो अत्तर, मार दो मुझे, चाहे मुझे जिंदा काट दो। मैं तुम लोगों का मुजरिम हूं, तुम्हारे भाईजान का कातिल हूं मैं। मार दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये बच्चा बेकसूर है, मार डालूंगा। ये जावेद को बचाने के लिए गया था। मार डालूंगा तेरे। बोलो, मैं मार डालूंगा तुझे। मार, नहीं छोड़ूंगा। ये खूनी है, कातिल है। मैं आज इसे जहन्नुम की राह दिखाऊंगा। आज ये मुझसे बचकर नहीं जाएगा। अख्तर, छोड़ दो इसे, भाग जा। अबू, अबू, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भाईजान, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, रहम कीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। अरे हट, तू बीच में मत पड़। शर्म नहीं आती अपने भाई के कातिल के लिए रहम की भीख मांगते हुए? ये बेकसूर है, ये भी भाईजान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आप और हम। मोहब्बत करते थे, मोहब्बत। मुझे चिढ़ है इस मोहब्बत लफ्ज से। ये वही मोहब्बत है जो आग लगाती है, ये वही मोहब्बत है जो अपनों को पराया बनाती है, ये वही मोहब्बत है जो खून बहाती है, दीवारें खड़ी कर देती है। बास आ गया हूं इस मोहब्बत लफ्ज से। आज मैं तुम्हारी इस मोहब्बत का सफाया कर दूंगा। चल, नहीं तो जान से मार दूंगा तुम्हें। चल, 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 चल। ये क्या हो गया है मेरे बच्चे? इस नन्ही सी जान पर हाथ उठाता है। आज तक तुमने इसे फूलों से नहीं छुआ, आज इसकी जान लेने पर तुला है। अब्बू, आप खामोश रहिए, मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। मेरे अंदर शैतान घुस चुका है। अपने बखान और अच्छी अच्छी बातें किसी और दिन के लिए रखिए। चल, कहाँ ले जा रहा है इसे? हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे, कहीं और जाकर रहेंगे। आपको आना है तो आइए, नहीं तो रहिए यहीं पर हमारे भाई के कातिल के पास। चल, नहीं तो तुम्हारी लाश पकड़ लेंगे। चल, अरे रुक, तो शबनम मर जाएगी। जिंदगी लेनी ही है तो मेरी ले लो, मेरे भाई की जान बख्श दो। या अल्लाह, भाईजान,
भाईजान। शुक्र अल्लाह। भाईजान। तेरा लाख लाख शुक्र अल्लाह, जो तूने मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरे भाई को होश आ गया। जस, क्या हुआ जस? अरे क्या हुआ? मार दूंगा, जान ले लूंगा मैं। कुछ बताओगे भी? वो लोग शबनम को ले गए, उन्होंने घर भी छोड़ दिया है और वो अख्तर शबनम की शादी कहीं और करवा रहा है। बात यहां तक पहुंच जाएगी मुझे? लेकिन मैं ये हरगिज़ होने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। जस, ये वक्त क्रोध का नहीं है, जोर जुल्म का नहीं है। जख्म गहरे हैं, सोच समझ कर चलना होगा। तुम हिम्मत ना हारो, मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर भरोसा करो। हाँ शबो, दीदी सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना। शबनम, यूं बार बार रोना बंद कर दो, यूं चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं रहता। पहले ही मैं दूसरे की आग में जल रहा हूँ, कहीं कुछ करना बैठूं। इतनी नफरत कहाँ से लाए हो मुन्ना? तुम्हारे घर में तो प्यार ही प्यार है। मैंने अब्बा को देखा, शबनम को देखा, जावेद को जानती हूँ। कहाँ है हमारे भाई? उनकी मोहब्बत उन्हें कहाँ ले गई? उनकी अच्छाई ने उनके साथ क्या हासिल किया? हम सबको यहाँ बेसहारा परदेश में यूं अकेला छोड़ गए और आप मुझसे मोहब्बत की बात करती हैं? अख्तर, तुम पागल हो गए हो, अंधे हो गए हो। तुम अच्छाई, नेकी और प्यार के जज्बे से इनकार करते हो। इस नफरत की आग में जलकर सबको तबाह कर दोगे। बेटे, मोहब्बत एक पाक जज्बा है। अबू, मैं बताता हूं मोहब्बत कैसा जज्बा है। मोहब्बत आदमी को बुजदिल बनाती है, मोहब्बत आदमी को कमजोर बनाती है, बहुत सुलाती है, ये किसी काम का नहीं रखती। आहों और सांसों का जहन्नुम है मोहब्बत। बेकारी, नाकामी और लुजुजेपन का नाम है मोहब्बत। इस दुनिया में सिर्फ एक जज्बा है, वो है नफरत। नफरत चौकन्ना रखती है, होशियार बनाती है, दिन रात जगाती है, नस नस में जहर भर देती है। जो आदमी इस दुनिया में नफरत नहीं करता, जी नहीं सकता। और जो मोहब्बत करता है, वो मरता है, सिर्फ मरता है। खुदा तुम पर रहम करे, अल्लाह तुम्हें बचाए। बेटे, आज तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूं। मुन्ना, तुमको तुम्हारी नफरत मुबारक हो, लेकिन तुम्हारे भाईजान ने हम सबके दिलों को अपनी मोहब्बत से मालामाल कर दिया है। उनकी शायरी इस बात की गवाह है, उनकी यादें सोना चांदी बनकर हमारे दिलों को रोशन करेंगी। उनके प्यार के कारण हमने सपने देखे हैं, साथ साथ सपने देखे हैं, और मैं वो सपने पूरा करूंगी। अंकल, अब जस और शबनम की शादी करा दीजिए। खामोश रहिए, चुप हो जाइए। कसम खुदा की, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। मैं भी तुम्हारी कुछ लगती हूँ, इसीलिए तो लिहाज कर रहा हूँ। मेरा भी हक बनता है मुन्ना। इस बात का नाजायज फायदा मत उठाइए। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस लफ्ज का बहुत इस्तेमाल कर चुकी हैं आप। मर जाएंगे वो मेरी बला से। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम्हारे सामने झोली फैलाती हूँ। किससे भीख मांग रही हैं आप? मेरे पास देने के लिए है क्या?
एक मुफलिस नादार और बेकार आदमी के पास देने के लिए है क्या? हाँ, अगर नफरत चाहिए तो ढेरों मिलेंगी। अंकल आप ही कुछ कहिए ना, समझाइए ना इसे। एक को तो हम खो बैठे हैं, अगर ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये शादी नहीं होगी, ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। आप समझती क्यों नहीं, जस मेरे भाई का कातिल है और फिर जस दूसरे मजहब का है। ये शादी हमारे मजहब के खिलाफ है। बेटे मेरी बात सुन, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। मजहब आदमी आदमी में फर्क नहीं करता, मजहब बैर करना नहीं सिखाता। जरा होश से काम ले बेटे। जावेद भी यही चाहता था, जस कोई खैर नहीं, उससे भूल हुई है, पछतावे की आग में जल रहा है वो, उसे माफ कर दे, कबूल कर ले उसे। आग लगा दूंगा, जला कर आग कर दूंगा। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, जस और शबनम की शादी नहीं होगी, ये शादी मैं नहीं होने दूंगा, बस। मुन्ना तुमने कह दी ना अपनी बात, अब मेरी भी सुन लो। तुमने प्यार और मोहब्बत की शक्ति को चुनौती दी है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि प्यार कमजोर नहीं होता, मोहब्बत में कितनी शक्ति होती है। इसलिए जावेद का सपना मैं पूरा करूंगी। अब्बास सरैली, उनके आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो शादी में रुकावट डाले तो? वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वो रुकावट नहीं डालेंगे, और डाली भी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और शबनम? शबनम? शबनम का क्या? मेरा मतलब है कि क्या तुमने उससे पूछा कि तुम? शबनम से क्या पूछना, उसका भला बुरा देखना मेरा काम है। अख्तर, लेकिन तुमने खुद कहा था कि उसकी आंखों में भी थोड़ी शर्म है। बाकी हनवर, अगर वो शादी से इनकार कर दे तो? लेकिन शबनम अभी बच्ची है, ना समझ है। गांव के बाहर कदम रखा और पहला आदमी जो मिला उससे प्यार करने लगी, लेकिन जिससे वो प्यार करती है वो भाईजान का कातिल है, और फिर वो हमारी मजहब का भी नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो सकती, और मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनवर, तुम्हें शबनम पसंद है ना? शबनम जैसी लड़की मुझे जिंदगी में नहीं मिल सकती। इस निकाह से तुम्हें कोई इनकार तो नहीं है? अख्तर, सच मानो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, शबनम से मैं बहुत मुतासिर हूं। तो बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, ये निकाह हम जल्दी करेंगे, अगले 2-1 दिनों में। किस्मत बदल जाएगी और हम कर भी क्या सकते हैं? क्या करना चाहती हूँ, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, मर जाएंगे हम। मरना इतना आसान नहीं शबनम, और जीना तो और भी मुश्किल है, तो तुम ही कहो हम क्या करें। जस से मिलना है, कहीं मुमकिन हो सकता है? जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ भाईजान तो जिंदा काट देंगे, अभी तो मरने की बातें कर रही थी, तो फिर डरती क्यों? तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। जाओ। इश्क रब की दुआ, इश्क ही प्यार है, इश्क में जिंदगी बड़ी खुददार है। इश्क रब की दुआ, इश्क ही प्यार है,
इश्क में जिंदगी बड़ी खुशहाल है, इश्क की रोशनी जिस जगह लहराए उस जगह दिल की बेखुदी छा जाए। है इश्क रब की दुआ, इश्क ही प्यार है, इश्क में जिंदगी बड़ी खुशहाल है। इश्क के सीने में दर्द है यादों का, भरोसा कसमों का, यकीन है वादों का, मगर धोखा भी है कभी अफसाने का, मिलने की खुशियां है कभी गम जाने का, मिलने की खुशियां है कभी गम जाने का। इश्क की रोशनी जिस जगह लहराए उस जगह दिल की बेखुदी छा जाए। इश्क रब की दुआ, इश्क ही प्यार है, इश्क में जिंदगी बड़ी खुशहाल है। ये तो शम्मा में है, ये है परवाने में, इश्क तो रहता है हर एक दीवाने में, इश्क आगाज है इश्क अंजाम है, आशिकों में यारों इश्क का नाम है, आशिकों में यारों इश्क का नाम है। इश्क की रोशनी जिस जगह लहराए उस जगह दिल की बेखुदी छा जाए। है इश्क रब की दुआ, इश्क ही प्यार है, इश्क में जिंदगी बड़ी खुशहाल है, इश्क की रोशनी जिस जगह लहराए उस जगह दिल की बेखुदी छा जाए। है सुली पे चढ़ा रहे हैं। शबनम, तुम्हारे प्यार ने मुझे बेबस कर दिया है, मजबूर कर दिया है मुझे। हम मर जाएंगे जस, लेकिन किसी और की नहीं हो सकते। तुम क्या समझती हो, हाँ तुम्हें किसी और का होते हुए देख सकूंगा, तुम्हारे बगैर जी सकूंगा मैं? तो फिर हम क्या करें? जरा सा यकीन रखो, जरा सी हिम्मत रखो, वापस जाओ शब्बो। अगर वहां पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा, तुम वापस जाओ। कहां भेज रहे हो हमें? मुझ पर भरोसा रखो शब्बो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पीछे, आ रहा हूं मैं तुम्हारे पीछे। हमें बहुत डर लगता है, हमें भगा के ले चलो प्लीज। मैं ये नहीं करूंगा, ये ना इंसाफी होगी तुम्हारे घर वालों के खिलाफ, ये ना इंसाफी होगी मेरे दोस्त जावेद के खिलाफ। मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ मांगूंगा,
तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ शबनम, चले जाओ, मैं कह रहा हूं जाओ। मुझ पर भरोसा रखो, मुबारक हो। आदाब, 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 आइए। अख्तर जी। अबू देखो शबनम तैयार है, निकाह का वक्त हो गया है, काजी साहब भी आ गए, अभी देखता हूं। ऐसी मेहंदी लगी रंग ना छूटे कभी, रंग ना छूटे कभी, ऐसी मेहंदी लगी रंग ना छूटे कभी, रंग ना छूटे कभी। निकाह की रस्म पूरी कीजिए। जरूर। निकाह कबूल है। निकाह कबूल है। शबनम को ये निकाह कबूल नहीं है। क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। जस, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। इससे पहले कि मैं होश खो बैठूं, तुम यहां से चले जाओ। देखो अख्तर, एक मिनट। देखो अख्तर, तुमने देख लिया कि शबनम को ये शादी मंजूर नहीं है। मैं उसे रजामंद कराऊंगा। जबरदस्ती करोगे? हाँ, जबरदस्ती करूंगा। तो फिर तुम एक लाश का हवाले करोगे अख्तर? बिना प्यार के शबनम एक लाश होगी। अगर ऐसा है तो मैं ये भी कर गुजरूंगा। इतनी नफरत क्यों करते हो तुम जस से? आप जानती हैं, ये मेरे भाई का कातिल है। मैं तुम्हारे भाई का कातिल नहीं हूं, नहीं हूं मैं तुम्हारे भाई का कातिल। वो मेरे दोस्त थे, उनकी पूजा करता था मैं। अरे उनको जरा सी आज भी आती तो सारी रात जागता था। वो तो मेरे लिए फरिश्ता थे। अरे मैं तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी उनको बचाना चाहता था। मैं जस को अच्छी तरह जानती हूँ अख्तर, वो जावेद को बेहद प्यार करते थे। अख्तर, वो एक दर्दनाक हादसा था, बेहद दर्दनाक, जिसके मलबे के नीचे हम सब दब गए हैं। उसमें अर्चना भी शामिल है,
और जस भी। बंद कीजिए अपनी ये बकवास। आपके ये घटिया बू मारते हुए अल्फाज बेमानी हैं, खोखले हैं, सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें हैं। कुछ नहीं होता प्यार व्यार। कहां है प्यार? किस दुनिया में है प्यार? ये दुनिया सिर्फ नफरत के सहारे जीती है। एक आदमी से दूसरे आदमी की नफरत, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की नफरत। ला सकता है आप में से कोई मेरे भाईजान को वापस? ला सकता है आपका प्यार उन्हें वापस? तुम जहन्नुम की आग में जल रहे हो। खुशामदीद है ये जहन्नुम अब्बू, निसार है मेरी जान इस जहन्नुम पर। अख्तर, ये तुम्हें हो क्या गया है? अरे इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। ले जाइए अपनी इंसानियत, कहीं और काम आएगी। मुझे अपना काम पूरा करने दीजिए। मौलवी साहब, आप निकाह पढ़वाइए। मैं ये हरगिज़ होने नहीं दूंगा अख्तर, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अगर तुमने यही तय कर लिया है तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चलिए काजी साहब, शुरू हो जाइए। चल हट। जब तक इस जान में जान बाकी है, जब तक कुछ सांसें इस जिस्म में बाकी है, शबनम सिर्फ मेरी है। सुना तुमने? वो किसी और की नहीं हो सकती। सुना? तुम्हारी चंद सांसें बची है ना, जान में कुछ जान बाकी है। बहुत बेशर्म दिखाया आदमी। चलो मैं तुम्हारी ये हसरत भी पूरी कर देता हूं। मारी। हाँ हाँ मार डालिए, ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। कम से कम मरने के बाद तो एक साथ रहेंगे। मरने के बाद या तो मुझे इनके साथ जला देना या इन्हें मेरे साथ दफन कर देना। आह, आह। तुमने ये क्या किया? इतना बड़ा गुनाह कमबख्त तुमने अपनी भाभी का खून कर दिया। मेरी भाभी, मेरे भाईजान की बीवी, मेरे भाईजान की जान, मैंने अपनी भाभी को मार डाला। हाँ, मैंने अपनी भाभी को मार डाला। ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने क्या किया? तुमने मुझ पर एहसान किया है। जावेद के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती थी। उनके बिना इस जिंदगी में रखा ही क्या था? उनसे मुलाकात ही मेरी जिंदगी थी। मुन्ना, मेरी एक बात मानोगे? हाँ,
मना तो नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा, खुदा कसम नहीं करूंगा। जानते हो तुम्हारे भाई की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? वो शबनम की शादी जस से करना चाहते थे। करोगे ना उनका सपना पूरा? मजहब और धर्म की अपनी मान्यता होती है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है ना अबू? हाँ बेटे। आज जावेद का सपना पूरा हुआ, आज मेरा भी सपना। भाभी, भाभी।